Hey guys, Kemcho, Majama, I hope you all are fine. I'm Jex. मारू नाम छे जिगर अने बदा मने प्रेम थी और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और गाइस जैसे मेरा मोटिव है, मोटो है, देना है तो देना है, तो मैंने एक ऐप ढूंढी है जो एकदम ऑथेंटिकेट है। जिस ऐप का नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसका काम ही यही है कि आपको कैसे भी कुछ भी करके, यानी आप खेलें यानी कुछ भी, यानी आप खेलेंगे और आपको पैसा मिलेगा, कमाने का मौका मिलेगा। वहाँ पे 3 से 7 हज़ार डायमंड तक आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, आपके फ्री फायर में आप डाल सकते हो। तो ये भी है एक आपका पास, आपके पास एक जरिया है कि आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, खाली ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रेफरल कोड जो JIGS मेरा नाम जिक्स आपको अंदर डालना है, ताकि आपको लॉगिन करने पे सीधे 50 रुपये यानी 50 रुपीज़ आपको क्रेडिट मिलेगा। वो क्रेडिट से आप वहाँ पे काफ़ी एंटरटेनिंग गेम्स उधर हैं, उसको आप खेलिए और उससे और लगातार अर्न करते जाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ऐप की लिंक डाली हुई है और आगे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको ये ऐप में वर्क करना है, यानी कैसे आपको लॉगिन करना है, रेफर कोड वो मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। गाइस आपको करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपके सामने लिखा होगा हैव अ रेफरल कोड क्लिक टू अप्लाई। वहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड वहाँ पर कोड डालना है JIGS स्मॉल लेटर में, जिक्स डालना है आपको एंड उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको लॉग इन विद मोबाइल नंबर करना है, जिसके बाद आपके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड उस इंटरफेस के बाद आपको देखिए फ्री में 50 रुपये का कैश बोनस मिल चुका है, बिल्कुल ही फ्री में। सो गाइस 50 रुपये का कैश बोनस मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चला है IPL फैंटेसी लीग, वहाँ पे आपको अपनी टीम क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैच है कल पंजाब वर्सेस मुंबई का, वहाँ पे आपको जाके क्रिएट टीम करना है एंड क्रिएट टीम करने के बाद आपकी अगर टीम टॉप 5 या टॉप 10 आती है तो आपको मिलेंगे 10 लाख या 15 लाख रुपए, मतलब भाई 15 लाख रुपए। एंड गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है मोर का, वहाँ पे आपको लॉन्च पर क्लिक करना है। लॉन्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप ढेर सारे गेम्स खेलकर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, मतलब सिर्फ गेम्स खेलकर आप अपना फ्री फायर के डायमंड को टॉपअप कर सकते हैं 4-5 हज़ार रुपये डेली का, सिर्फ गेम्स खेलकर, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में क्योंकि आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिल चुका है। तो गाइस देर ना करें, जल्दी से फटाक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऐप की, डाउनलोड करें एंड हमारा रेफरल कोड है जिक्स डाल के हमें इंस्टाग्राम पर टैग करें। सो गाइस डाउनलोड करो फटाफट। आपके सपोर्ट ने, आपके प्यार ने, आपके अच्छे बढ़िया से कमेंट्स ने दिल में काफ़ी गुदगुदी, यानी जो बोलते हैं खुशी की लहर, यानी खुशी जो होती है ना कि भाई कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी अच्छे माध्यम से आए हो, कुछ अच्छा करने के मोटिव से आए हो और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तब आपको बहुत खुशी मिलती है। तो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं चाहता हूं कि आप और इसी तरह प्यार जताते रहें और प्यार दिखाएं और उस प्यार को और शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक हम पहुँच पाए और पहुँचे सबका फ़ायदा जितना हो सके वो हम करें। आपने थंबनेल देखा होगा, मोबाइल गिव अवे, जो मैंने फर्स्ट अपने वीडियो पे मैंने जो अनाउंसमेंट किया था कि भाई हर क्वार्टरली में 3, 6, 8 जो मोबाइल, यानी जितना कमाऊंगा उस हिसाब से वो मोबाइल में गिव अवे करूंगा। तो 3 महीने में अभी 1 महीना हुआ है, आपने 1 महीने में मुझे ऑलमोस्ट 500 के पहुँचा दिया है। तो दिस इज़ रियली वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 3 महीने के लिए वेट नहीं करते, अभी फिलहाल 2 मोबाइल तो दिए ही देते हैं, क्या बोलती है पब्लिक, 2 मोबाइल का गिव अवे कर देते हैं। तो मोबाइल का गिव अवे कैसे करूंगा, कहाँ पे आएगा, वो चैनल पे और आपको इस वीडियो पे आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मोबाइल के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। तो गाइस आपको खास एक काम करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और खास सब्सक्राइब का जो बटन है उसको तोड़ देना है, इतना मारो उसको, इतना दबाओ कि खुशी की लहर ही निकले अंदर से, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जो होता है उसको ऑन कर दो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा, मोबाइल गिव अवे और दूसरा जो है, अब जो हमारे जो महाशय थे यानी है ऑलरेडी, जो हमारे इंडियन यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं, जा रहे आगे, खूब आगे जाए, और एक हमारा तो नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करें इंडोनेशिया के यूट्यूबर
इंडियन एसए के यूट्यूबर है। अब हमारे वाले जो महाशय है इंडिया वाले, उन्होंने क्या कर लिया, एक दे दिया चैलेंज इंडोनेशिया वाले भाई बंधु को अपने, कि भाई हम चैलेंज में आपको फर्स्ट पे हम आ जाएंगे, आपको नीचे कर देंगे बेजिस में, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे वोट देवर, चलो चैलेंज दे दिया भाई भाई भाई, कोई बात नहीं, चैलेंज तो दे दिया भाई। एक बार सेकंड बेकन पे आ भी गए, लेकिन तब सोचना चाहिए था कि भाई चैलेंज दिया तो चैलेंज देखो यारो, समझ लो मेरे भाइयों, चैलेंज वही करो जो कर पाओ। देखो इंडिया की रेपुटेशन जुड़ी होती है, जब आप इंटरनेशनल ऐसी चीज़ों में, इंटरनेशनल जहाँ पे माहौल एंटर हो जाता है, जब आप उसमें घुसते हो, वहाँ पे फीलिंग आती है इंटरनेशनल वाली, कि इंडिया वर्सेस ये, इंडिया वर्सेस वो, तो वहाँ पे फिर जीतना है देश, अपना देश, उसकी सोचो यार, मेरा भारत महान था है और हमेशा रहेगा। तो जब मेरे भारत महान की, यानी मेरे देश, मेरे कंट्री इंडिया भारत, अब जब उसकी कहीं पे भी इज्जत पे कहीं पे भी कुछ आता है, तो दोस्त यार दोस्तों मेरे उससे सहा नहीं जाता, बहुत गुस्सा आता है यार, कि भाई यार इंडिया के देश की इज्जत की रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है यार, उसको कम तो मत करो कहीं ना कहीं। देखो ये इंडोनेशिया वाला जो बंदा है, उसके 10-12 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर है, अब उसके ये सब्सक्राइबर आप देखोगे तो ज़्यादातर इंडोनेशिया के साइड, बाद में इंडिया के हैं, उसके बाद उसके नेपाल के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, फिर थाईलैंड के हैं, लाओस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यानी ऑलमोस्ट एशियन कंट्री जितने भी है जो फ्री फायर के खेलते हैं, जो फ्री फायर कनेक्टेड हैं, जितने भी एशियन छोटे बड़े कंट्री, सब ऑलमोस्ट उसके सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये हमारे महाशय ने क्या कर दिया, कौन से चक्कर में क्या सोच के किया भगवान जाने, उन्होंने दे दिया खुला चैलेंज, वी विल बिकम फर्स्ट, आई विल बिकम फर्स्ट, ये फलाना ठिकाना, चलो ठीक है चैलेंज दे दिया बेजिस का, हम बेजिस में यहाँ पहुँचेंगे, ये करेंगे, कर नहीं पाए, वो महाराज तो सेकंड फर्स्ट पे वही है। अब हुआ क्या, अब वो बंदा इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, उसके सब्सक्राइबर जो होंगे वो कमेंट में या कहीं ना कहीं इंडिया को पुअर, हाँ इंडियन यूट्यूबर पुअर, इंडियन प्लेयर्स पुअर, ये वो सब टैग करेंगे। अच्छा लगता है यार, ये देश की इज्जत अपने हाथों में होती है यार, ऐसी चीज़ें करो, ऐसे चैलेंज करो जो पूरी कर पाओ, करना था तो पूरा करो, पूरा करना था ना, आगे जाना था, जो बोला था वो करना था, बोला तो बोला, ऐसा हो रहा था। ये क्या कर दिया हमारा, बैग गया पानी में, दूसरी चैलेंज दे दी वर्सेस की। अरे भाई पहले वो तो पूरी कर ले मेरे भाई, उसके कारण कितने कमेंट आते हैं नेगेटिव इंडिया के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स एक के कारण हर एक के पीछे तो नहीं टैग जुड़ना चाहिए ना भाई, इंडिया पुअर ये वो, भाई इंडिया पुअर नहीं, इंडिया बाप है सबका, वो जो कंट्री में बैठा है उस कंट्री को इंडिया 50 बार खरीद के सेल कर दे, इतनी ताकत है इंडिया में, इंडिया के इतने रिचेस्ट बंदे हैं भाई टॉप में, इंडिया पुअर नहीं, लेकिन ऐसी कोई छोटी चीज़ के कारण आज उनके छोटे सोच वाले बंदे, उनके सब्सक्राइबर आज इंडिया को टैग करके ऐसा बोलेंगे सोचेंगे, अच्छा लगता है यार, खून खोलता है यार, जब कोई इंडिया के पीछे, इंडिया के आगे, इंडिया के बारे में अगर कुछ नेगेटिव बोलता है, नहीं अच्छा लगता है यार, कुछ सोच के करा करो यार, कुछ प्लानिंग होना चाहिए, अगर कुछ कर रहे हो तो पहले सोच लो कि हाँ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऐसे पानी में बैठ जाओगे बीच में और फिर कुछ और बोलोगे, कुछ और करेगा, वो बंदा तुम्हारे नाम पे मैं डाल रहा है फनी ये वो डाल रहा है, वो टैग तो कहीं ना कहीं इंडिया ही हो रहा है ना भाई, क्योंकि अभी तो वॉर ही हो गई इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, और इसमें आगे कौन है, इंडोनेशिया, तो वो यूट्यूबर वहाँ का है, वहाँ पे उसके जो सब्सक्राइबर टैग करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेमे से कुछ भी डालेंगे, तो अगेंस्ट तो अपनी कंट्री को ही जा रहा है ना भाई, समझो। बैजिस लेना है चलो ठीक है, देखो भाइयों मैं भी बैजिस लेता था, आपने देखे होंगे मेरे बैजिस 6-7 हज़ार तक मैंने बैजिस लिए थे, 6,000-6,500 तक तो लिए थे मैंने। अब उस टाइम में क्या था कि बैजिस का एक जमाना, एक एरा था, तो मैं बैजिस लेता था, लास्ट 6-8 महीने से मैंने ना मार्क करना, मैं 1200 से 1600 के बीच में 1400-1200 लेता हूँ, और फिर जो 300-400 बढ़ते हैं थ्रू आउट महीना वो ही जो होते हैं, मैंने क्यों कम कर दिया, मैं कोई गरीब नहीं हो गया हूँ, मैं चाहूँ तो ग्लोबल पे टॉप पे जा सकता हूँ, है पैसा अपने पास, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई अगर ये पैसा बेजिस में डालूंगा तो दूसरों लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बेजिस लेना बंद किया। लास्ट 6-8 महीने से मैं वो जो ज़्यादा बेजिस लेता था, वो मार्जिन जो मेरा था, वो मैंने गेम में बंद करके लोगों में बांटना चालू किया, हेल्प करना चालू किया, मुझे मज़ा आता है किसी की हेल्प करने में, जब किसी की हेल्प करता हूँ वो बंदा खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है, पूछना किसी बॉस गिल्ड वालों को, हर एक की हेल्प करता हूँ मैं, किसी को मोबाइल में कम पड़ रहा है वहाँ पे जोड़ रहा हूँ, किसी को इलाइट पास ले रहा है वहाँ पे दे देता हूँ, किसी को टॉपअप इवेंट करनी करता हूँ वो पूरी करा देता हूँ, हर एक जगह पे हेल्प करता हूँ। तो वो मैं बैजिस नहीं लेता, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बैजिस 1200 इसलिए रखता हूँ कि अपना नाम आना चाहिए लीडर बोर्ड पे, ताकि ओरिजिनल जिक्स आया सबको पता चले। आजकल हर एक यूट्यूबर या कोई फेमस बंदा आप देखना, वो बैजिस में थोड़ा 500-1000 रखेगा, क्योंकि हर एक के डुप्लीकेट्स बने बैठे हैं,
तो इसलिए वो रखते हैं हम नाम के भाई वहाँ पे हमारा नाम दिखे ताकि आपको लॉबी वाले को पता चले कि भाई ओरिजिनल कौन बंदा है। और रहे जो ऊपर के बैजेस वो मैं नहीं लेता, उसके पीछे मेरा मोटिव ये है कि वो पैसा मैं किसी की हेल्प करने में दूँ। मैं देता हूँ सबको। इधर यूट्यूब में क्यों आया, यूट्यूब में इसलिए आया कि गिव अवे कर सकूँ। वो पैसा बैजेस नहीं लेना मेरे को, मेरे को वो पैसा बैजेस का जो मार्जिन है वो मेरे को बांट देना है, समझे। मेरे को उतना ही आनंद उतनी खुशी मिलती है जितना मैंने बैजेस लिया हो, समझ लो। भले वो डिजिट नहीं दिखेगा बैजेस में, लेकिन उससे जो कीमत जो मैंने गिव अवे, तो आप देख लो मैं गिव अवे के लिए आया हूँ, तो वहाँ पे गिव अवे करूँगा, किसी को दूंगा, तो मुझे फ़ायदा क्या है, खुशी का, मेरी खुशी बढ़ती है कि किसी का हेल्प किया वो बैजेस के पीछे। तो अगर ये महाराज ने ये टूर्नामेंट यानी सॉरी चैलेंज में घुस के ये सब ना किया होता, अगर वही चीज़ जो उन्होंने बैजेस ली उससे बेटर अगर इतना दे दिया होता, कितने बंदों का भला होता है। चलो नहीं दिया, इस बार कोई बात दिया भाई, इसी मोटिव को मन में रख के नेक्स्ट सीजन में देने का मोटिव रखो कि मुझे 1,00,000 बेजेस लेने थे, अब मैं वो नहीं लूँगा, मैं 1,00,000 बेजेस का जितना पैसा वो मैं बांट दूंगा, सब्सक्राइबर में बांटो, गरीबों में बांटो, ये रखो मोटिव मित्रों दोस्तों यारों, ये मोटिव होना चाहिए कि वेस्ट ऑफ मनी से जगह ऐसा करो बेस्ट ऑफ मनी हो जाए यार। बांटो यार, प्यार है, जितना बांटोगे इतना मिलेगा। सॉरी गाइस, बीच में ये बोल देता हूँ कि मैं किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूबर की अगर सोच ऐसी है तो मैं उसके अगेंस्ट भी हूँ। कौन सी सोच, कि जहाँ पे इंडिया का नाम कहीं भी डाउन होगा, ऐसी कोई कुछ भी काम करेंगे तो मैं यार नहीं शांत रह पाऊँगा, मेरे से आवाज़ निकलेगी मेरी। और जो सही भी है यार, नाम देश का रोशन करना है, कहीं पे भी नाम टैग होके नाम खराब खराब नहीं होना चाहिए देश का। अब रही बात अपने मेन जो अपना मोबाइल गिव अवे की, तो देखो यारो, मैंने मोबाइल गिव अवे का इसीलिए सोचा था कि जो बंदे 1-2 GB 4 GB वाले मोबाइल में खेलते हैं, जो अच्छा मोबाइल नहीं ले पाते, जो गरीब है, थोड़े उनकी परिस्थिति थोड़ी कमज़ोर है फाइनेंशियली, जो सही में मुसीबत में है, ये उनके लिए ही मैं आया हूँ, समझ लो। मैं उनकी हेल्प करने के लिए ही YT में आया हूँ, किसी रईस ज़ादे की हेल्प करने में नहीं आया हूँ। जिसकी ज़रूरत है उसी को ही मिलना चाहिए, वो ही डिजर्व करता है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो मोबाइल गिव अवे ऐसे करेंगे कि जो बंदे रियली में डिजर्व करते हैं उनको क्या करना है कि अपने एक्चुअल मोबाइल जो उनका वीक मोबाइल है, जिनको सही में ज़रूरत है मोबाइल की, वो बंदे अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट या थोड़ा छोटा सा गेम प्ले या उसकी कंडीशन का फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे इंस्टाग्राम में आपको वो फ़ोटो हमें टैग करके पोस्ट करना है, स्टोरी नहीं डालनी है, पोस्ट करना है ताकि हम देख पाए। वहाँ पे आपको आपकी डिटेल जानी है, UID और आपका नाम और थोड़ा टेंटिटिव आपका सिटी का ये नाम वाम, बस बाकी कुछ नहीं देना है। किसी को ID पासवर्ड हम नहीं मांगते, ना किसी को देना है, किसी को मत देना, हम नहीं मांगेंगे ID पासवर्ड, समझ गए। तो देना भी मत, किसी भी को मत दो। वहाँ पे पोस्ट को टैग करके आपका जो फ़ोन है उसकी डिटेल वहाँ पे आपको डालनी है। वो जो लकी दो होंगे जो जीतेंगे उन्हें हम कांटेक्ट करेंगे, उनकी तब जानकारी लेंगे बिलिंग एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उसके घर पे फ़ोन भेजना पड़ेगा। तो वो जो जीतेंगे उनको सब हम डिटेल देंगे पर्सनली में। आपको खाली एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी लकी कंटेस्टेंट जो भी जीतेगा उनको खाली एक रिक्वेस्ट है कि आपको जब मोबाइल मिले तो हम जिस हिसाब से आपसे वीडियो मांगे के अनबॉक्सिंग का, वो आप हमें भेजें, क्योंकि वो आप भेजेंगे हम उसे अपलोड करेंगे ताकि दूसरे भी इंस्पायर होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। जय हिंद, जय भारत।